ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ बहुत खतरनाक बात करे टीपू सुल्तान के बारे में। तुम्हारी औकात के कहा क्या है ये पूछिए। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम जो हमारे बीजेपी सरकार में एक मंत्री ऐसा है, वो मंत्री है क्या मालूम ही नहीं है उसको। क्यों बोल, जो एक संपुट में सचिव होने के नाते उन्होंने संविधान के ऊपर हाथ रख के प्रमाण वचन स्वीकार लेते। ये देश में पूरे लोगों को मैं समान लेके जाता हूँ, शांति से सौहार्द से सबको लेके जाता हूँ बोल के उन्होंने बोलते। वो छोड़ के इन्होंने पहली एक बार बहुत खतरनाक बात करे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान एक देश के स्वतंत्र के वास्ते होराट करे सो आदमी है, और हमारे कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ को हम सब लोग मानते हैं। वो लूटी हुआ था पूरा, ब्रिटिश लोगों ने बर्बाद करके वो पूरा लूट करके लिए थे, लूट करके गए थे। पहले वो सरकार निजाम होंगे ब्रिटिश होंगे पूरा खाली होने के बाद वो हमारे टीपू सुल्तान ने पूरे उनके राज्य से गोल्डन पूरा पल्लक की गोल्डन पूरे टेम्पल को पुनर्निर्माण करके पूरे पैसे दिए सो इतिहास में है। और देश के स्वतंत्र के वास्ते उनको बच्चे को भैया रख के तो मालूम है सबको। ऐसे लोगों के खिलाफ ये हमारे ये अश्वत्थ नारायण मंत्री ने बात कर दे गलत है। इसके वजह से अश्वत्थ नारायण को हमारे सिद्धरामैया साहब ये देश के ये राज्य के मुख्यमंत्री बन के 5 साल गरीबों का हिफाजत करके जो मैंडेट था हमारा मैंडेट पूरा कंप्लीट करे सो एक भी गलती नहीं करे जैसे वैसा ये राज्यभार करे सो सिद्धरामैया साहब को मारना मार के मारो बोल के एक स्टेटमेंट दिए बहुत गलत है, संविधान विरोधी है। इसके ऊपर केस क्रिमिनल केस डालना और हमारे बम्बई साहब ने उसको निकालना गवर्नमेंट से कैबिनेट से। इसके वजह से हम अध्यक्ष के नेतृत्व में ये होराट करे सो है, इमिडिएटली उसको वजह करना। सिद्धरामैया साहब हमारे अपोजिशन के लीडर के बारे में ये अश्वत्थ नारायण डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो मंडे में बात करे, हम आज जिला कांग्रेस ऑफिस से आज हम प्रतिभटना करे। आज गुलबर्गे में हम जिला कांग्रेस के तरफ से प्रतिभटना करके आज हम डीसी ऑफिस को आके आज मेमोरेंडम दिए। ये अश्वत्थ नारायण को इस देश इसमें कर्नाटक में अपोजिशन के लीडर को जो टीपू सुल्तान को कैसा मार के मार डाले वैसा सिद्धरामैया साहब को मार डालना बोल के उन्होंने जो स्पीच करे, इसलिए हम जिला कांग्रेस के तरफ से वो खंडन करते हैं। और जो संविधान के विरोधी जो अश्वत्थ नारायण डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनको ये उनके क्या मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बम्बई उनके कैबिनेट्स के वजह करना, और बम्बई साहब वजह नहीं कर रहे इसलिए हम गवर्नर को यहाँ मेमोरेंडम देने हैं उनको वजह करना। गवर्नर बीच में आके इसमें इंटरफेयर होके गवर्नर इनको अश्वत्थ नारायण को वजह करना बोल के हम आज मेमोरेंडम डीसी को दिए हैं। इसीलिए हम डीसी और गवर्नर को जो मेमोरेंडम दिए है इसीलिए उनका ऊपर उन्होंने ये करना उनको कैबिनेट से निकालना बोल के हमारा डिमांड है। इसीलिए हम अभी यहाँ मेमोरेंडम दे के और हम कांग्रेस ऑफिस से पूरा आज स्ट्राइक करके आके यहाँ मेमोरेंडम दिए, और अब हम कमिश्नर ऑफिस को भी जाके आज मेमोरेंडम देने वाले हैं उनको। क्यों बोले तो ये जो स्पीच करे खुद उन्होंने FIR करके
केस दर्ज कराना बोल के सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इसलिए उनको भी मैं हम ये करते हैं, प्रेस करते हैं, उन्हें भी उनके ऊपर FIR करना, नहीं तो ऊपर की FIR करना बोल के वहाँ जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनको दे देना बोल के हम डिमांड करते हैं। अश्वथ नारायण और सिद्धरमैया साहेब्रिगे रीति मतदार टिप्पू सुल्तान हे हाकि हाकिदरे अंत आ रीतिया सिद्धरमैया साहेब्रिगू हाकोण आड़े वो राजकीय व्यक्तिया ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗೂ ಇವರಿಂದ ಇಡೀ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಲಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಹುಕ್ಕಿದೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾಟೋಡ್ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಜೋ ರಾಜ್ಯ ದೌರಾ ಚಾಲು ಹೇ ಹರ್ ತಾಲೂಕು ತಾಲೂಕೆ ಮೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇ ಜೋ ನಿಕಲ್ ರಹಾ ಹೇ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಏಕ ಕಂಟಕ ಹುಯೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋ ಗಯೆ ಕ್ಯಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋ ಗಯಾ ಬೋಲೆ ತೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಏಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏಕ ಡಾಮಿನೇಟರಿಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವ್ರು सिद्धरामय्या सर बोले को तो हर एक समाज को लेकर चलने वाला लीडर है उन्होंने बीजेपी सरकार को अश्वथ नारायण हाई एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने उनको मानसिकता हो गई है क्यों मानसिकता हो रही है बोले तो सिद्धरामय्या सर का जो राज्य दौरा देख के उनको मानसिकता हो गया क्यों है 2023 को उनकी सरकार जाने वाली है और कांग्रेस सरकार आने वाली है बीजेपी वाले को आप ये समझना कोई तो चिरी मिरी मैटर को वाले को आगे खड़ा करके हमारे कांग्रेस के लीडर को अवचन में बात करने के लिए तुम बोलते तुम्हारी औकात क्या है ये पूछिए आज कांग्रेस पक्ष पार्टी जो है सब आम आदमी गरीब गरीब लोग के लिए कांग्रेस पार्टी है तुम्हारी जो बीजेपी सरकार है उद्योगपति की सरकार है अदानी की सरकार है अंबानी की सरकार है कांग्रेस पार्टी हर एक समाज गरीब शिक्षण रहित किसान लोग की पार्टी है बीजेपी पार्टी से ऑल कर्नाटक तो क्या ऑल इंडिया को बस होगी सो पार्टी है आप ये निश्चित ठान लीजिए 2023 को तुम्हारी सरकार जड़ से उखाड़ के फेंक के हमारी कांग्रेस सरकार आने वाली है अश्वथ नारायण जो हमारे सीएम माजी सीएम सिद्धरामय्या सर के बारे में जो बोला वो माफ़ी मांगना चाहिए नहीं तो ये हमारा उग्र होराटा जारी रहेगा अश्वथ नारायण को 302 जो कलम है वो दम देने का जो कलम है वो कलम उस पर जारी करके उसको राजीनामा देके उसको उच्छाटन पार्टी से करना बसवराज बोम्मई सर आप गुलबरे को आते हैं आके गोर गरीब किसान यूथ के बारे में पूछते नहीं है आके तुम्हारे MLA को क्या पूछते हैं 40% कितना मिला भाई यही आके पूछते हैं तुम्हारा इसके सिवा तुम्हारा कुछ नहीं है आपको डर हो गया है हमारे राज्य अध्यक्ष में कर्नाटक में जो घूम रहे सिद्धरामय्या सर हमारे कांग्रेस पार्टी बोलो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में प्रियंका सर के नेतृत्व में जो चल रहा है ये आपको डर है और 2023 में आप हारने वाले हैं ये निश्चित है सिद्धरामय्या सर को जो अवचन जो बात किए वो अश्वथ नारायण आप वापस लेना और बसवराज बोम्मई जी सर आप उसको अपने पार्टी से रीजन देके वजह टर्न करना ये हमारा रिक्वेस्ट है।